ये जो नौ सलाहकारों के नियुक्ति को रद्द करने का मामला प्रकाश में आया है, इससे एक चीज स्पष्ट हो गई है कि यह कदम राजनीतिक अहंकार में आकंठ डूबी केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकतंत्र और संघीय ढांचे का अपमान करते हुए उठाया है और यह एब्सोल्युटली नॉन सीरियस स्टेप उठाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने पहली बार ऐसा कोई कदम उठाया हो जिसमें गंभीरता का अभाव झलक रहा हो। आपको याद होगा ये जो 20 संसदीय सचिवों का मसला है, इसके साथ साथ एक और मसला चला था रोगी कल्याण समिति का, पता आप लोगों को, उसमें भी ऐसे ऐसे विधायकों को नोटिफाई कर दिया गया जिनका रोगी कल्याण समिति से कोई लेना देना नहीं है। और तो और विधानसभा के जो अध्यक्ष महोदय हैं उनको भी नोटिस भेज दिया। वही इस बार भी हुआ है, नौ लोगों को हटाने की बात कर रहे हैं लेकिन उसमें से मुझे लगता है तीन या चार लोग तो उस पद पर ही नहीं है जहां से उन्हें हटाने की बात की जा रही है। और ऐसा होना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को सिर्फ अड़ंगे लगाने से मतलब है, चाहे वो नैतिक हो, अनैतिक हो, तर्कसंगत हो या ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम एक बार पड़ताल तो कर लेते कि जिनको हटा रहे हैं, जिन पदों से हटा रहे हैं, उन पदों पे वे लोग हैं कि नहीं। तो इस देश में योग्यता का पैमाना क्या है कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। अभी कुछ नामों का जिक्र किया, ओएनजीसी का कोई डायरेक्टर बन गया है, पात्रा जी बन गए, शाजिया अलवी जी भी कुछ बन गई है, वो भी कहीं की डायरेक्टर मेंबर है। तो ये जो अतिशी जी को हटाया गया है और साथियों को हटाया गया है, ये कहीं के बाबा होते, किसी मठ के बाबा होते तो इस समय मंत्री बन गए होते, लाखों रुपए की सैलरी, गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम भोग रहे होते। इनका गुनाह ये है कि ये शिक्षाविद है, ये हमारे देश की भारतीय राजनीति में प्रचंड जनादेश से बनी एक सरकार के ऐसे पवित्र उद्देश्य का साधन है जिसके तहत सरकारी स्कूलों का, सरकारी शिक्षा तंत्र का, सरकारी शिक्षा व्यवस्था का आमूल चूल बदलाव हो रहा है। ये इनका गुनाह है कि डबल पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद अतिशी मार्लिना जो रोड स्कॉलर है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ी, शिक्षाविद है, देश विदेश में शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कामों को लेकर उनका मान सम्मान है, दिल्ली के क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की राइट हैंड है वो, और वो ऐसी सरकार से ताल्लुक रखती हैं, एक रुपए पर उस सरकार के साथ काम करती हैं, जो सरकार देश की इकलौती सरकार है जिसने सरकारी स्कूलों को बंद कराने की बात नहीं कही, उनको प्राइवेटाइज करने की बात नहीं कही, अपनी जिम्मेदारियों से यू टर्न नहीं मारा, उन जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठाया और कहा कि नहीं, हम इसको ठीक करके मानेंगे। तो दिल्ली से अपनी हार का बदला समय समय पर लेते रहने वाले माननीय मोदी जी शायद इस देश में स्थापित ये करना चाहते हैं कि योग्यता का एकमात्र पैमाना कि आप संघ से जुड़े हो, विवेकानंद फाउंडेशन से जुड़े हो। हमारे एक तरुण विजय साहब भी आप जानते होंगे, पांच जन से जुड़े रहे, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनकी भी धर्मपत्नी जी है, वो भी कहीं एनसीईआरटी वीसीईआरटी में कुछ बनी हुई है शायद। तो आप अगर भाजपा से जुड़े हुए हैं, संघ से जुड़े हुए हैं तो आप योग्य हैं, आप लाखों करोड़ों की सैलरी ले सकते हैं, आपकी किसी के प्रति जवाबदेही नहीं है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और आप दो और दो पांच कहेंगे तो वो सच माना जाएगा।